हेलो माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले यूएमपी की टॉप 5 गन स्किन्स के बारे में। क्योंकि यार यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारी यूएमपी गन स्किन्स है, बट हम बात करने वाले हैं टॉप 5 यूएमपी गन स्किन्स की। और अगर आपका गेम प्ले रश गेम प्ले, या फिर आप कैंप करके खेलते हैं, आप मिड रेंज से खेलते हैं, लॉन्ग रेंज से खेलते हैं, तो कौन सी गन स्किन्स आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी, ये भी साथ में बताऊँगा। और बेस्ट यहाँ पर मैं टॉप 5 गन स्किन्स के बारे में बात करने वाले। चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि आपको इसी प्रकार से और भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भाई इस बार में वीडियो एम का लाइक जो रखा है इस पर भाई 1000 रखा है, तो 1000 लाइक एम कंप्लीट करवा देना प्लीज़, तो अभी से लाइक कर दो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, टॉप 5 में जो टॉप 5 नंबर पे आती है वो आती है हमारी सिंपल द गोल्डन यूएमपी। देखो ये फ्री गन स्किन है, सबके पास होगी। तो यहाँ पर इसमें रेंज आपको देखने को मिलती है, एक्यूरेसी माइनस देखने को मिलती है। अगर आपके पास कोई गन स्किन्स नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बट इतनी खास भी नहीं है। एंड हम बात करते हैं टॉप 4 पे, तो वो आती है हमारी जेब्रा पेपर कट। ये बहुत ही कमाल की गन स्किन्स है, इसमें इसको मैंने टॉप 4 पे रखा है। क्यों आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो डैमेज है वो तो है, अच्छी बात है। रेंज भी डबल है, डबल रेंज है काफ़ी ज़्यादा, समझ सकते हो, अच्छी बात है। बट यहाँ पर जो मैगजीन है यार, वो डबल रेंज में मैगजीन को कम कर दिया गया, तो आप समझ सकते हो फिर डबल रेंज का एक तरीके से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं रह जाता है। एंड अब हम बात करते हैं टॉप 3 गन स्किन यूएमपी की, तो वो है हमारी वाइल्ड नरस हंटर। देखो जो हंटर वाइल्ड नरस हंटर है, ये बहुत ज़्यादा कमाल की यूएमपी गन स्किन्स है। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो रेट ऑफ फायर जो है वो आपको देखने को मिलता है, और एयर मोड पेनिट्रेशन जो है वो इसका यहाँ पर डबल देखने को मिलता है, तो इसलिए गन बहुत ज़्यादा कमाल की है। और अगर मैं इसको चलाऊँ तो यहाँ पर देख सकते हो माइनस में सिर्फ रिलोड स्पीड है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा इसमें रिकॉल वगैरह भी नहीं होता है। तो आप इसको टॉप 3 में रख सकते हो, बहुत ही कमाल की है। अगर आप यूज़ करना चाहो तो किसी और गन को भी यूज़ कर सकते हो यूएमपी गन की स्किल्स, बट मैंने इसको टॉप 3 में रखा है। एंड अब हम बात करते हैं टॉप 2 की, वो है हमारी यूएमपी बोयाडे। देखो यूएमपी बोयाडे बहुत ही कमाल की गन स्किन है, अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। अगर आप इसको लेवल 4 तक अपग्रेड कर लेते हो तो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गन की स्किन हो जाती है। डैमेज आपको डबल देखने को मिल जाएगा लेवल 4 में ही, और रेट ऑफ फायर आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा खतरनाक गन हो जाती है। एंड अब हमने जो नंबर 1 पे जो रखी है वो है भाई हमारी यूएमपी आउट ऑफ वार। भाई ये जो गन स्किन है मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कमाल की गन स्किन मुझे कोई भी नहीं लगती है, क्योंकि इसमें जो डैमेज भी है और रेट ऑफ फायर भी है। एक्यूरेसी जो है वो थोड़ी सी माइनस है, मतलब माइनस रखी है, क्योंकि यार देखो एक्यूरेसी को आप मैनेज कर सकते हो कैसे। अगर आप देखो डायरेक्ट गोली चलाते रहोगे, फायर करते रहोगे, तो ऑटोमेटिक रिकॉल गन बहुत ज़्यादा होगी, तो आप इसको होल्ड कर करके चलाओगे तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चलती है। तो हमेशा आउट ऑफ वार को आप कभी भी चलाना तो होल्ड करके चलाना, थोड़ा सा रोक रोक के चलाना, जब भी आप इसको यूज़ करना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गन हो जाती है। तो नंबर 1 मेरे हिसाब से ये है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।